बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास एट्थ की गणित की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 22 जो कि आपकी डेट 10 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम वर्गमूल और उसके प्रतिरूप करेंगे। आज प्रिया और रिया को एक किस्सा सुना रही थी। जब वह कल पापा प्लॉट खरीदने के लिए गए तो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। उन्होंने बोला कि मुझे 45 फुट × 45 फुट यानी कि 2,225 वर्ग स्क्वायर मीटर का मुझे प्लॉट चाहिए। तो डीलर ने क्या कहा, डीलर ने कहा भाई साहब मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 45 फीट से एक कम ज़्यादा होगी यानी कि 46 होगी और जो चौड़ाई है वो 45 से एक कम होगी यानी कि 44 होगी। ठीक है, अब उसने ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो मेरे दिमाग में कुछ सोचा, मैंने पापा को कहा नहीं पापा यह तो हमें 1 स्क्वायर फीट कम ज़मीन दे रहा है। कैसे, तो पापा ने 46 फुट और 44 फुट का हिसाब लगाया तो पाया कि वो 2024 है लेकिन हमें तो 2025 चाहिए था। ठीक है, 2025 से एक घटाकर सही उत्तर बताया है। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता है। अब पापा ने तरीका लगाया कि हमें चाहिए था 45 और 45 का यानी कि 2025 का चाहिए था और उसने हमें क्या कहा कि मैं 1 फुट ज़्यादा दूंगा 1 फुट कम दूंगा, तो टोटल कितना हुआ 2,024 वर्ग फुट हुआ। तो इसका मतलब 1 वर्ग फीट कम दे रहा है हमें, है ना। तो अब रिया का जो तरीका था 45 और 45 को गुणा किया 2025। अब उसने क्या किया, एक सूत्र लगाया a+1 a-1 यानी कि इसमें हम एक प्लस कर देते हैं तो 46 हो जाएगा और इसमें एक कम कर देते हैं तो 44 हो जाएगा। इनको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है बेटा a² जब ये a+1 a-1 होता है तो हमारा फॉर्मूला बनता है a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास 45 है और b क्या है आपका 1 है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपको उसको और बता देती हूँ। देखिए 45 को हमने लिख दिया 46, देखिए इसको पूरा ही बताते हैं अच्छे तरीके से। 45 + 1 लिख दिया, एक ज़्यादा दिया है और फिर उसने बोला कि मैं एक कम दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 46 हो गया और ये कितना हो गया 44 हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है a+b × a-b, तो इसका आंसर निकलता है a² - b², तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी है 45 और b की वैल्यू 1, तो 45 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, देखिए यही किया हुआ है यहाँ पे। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ, मैं इसको क्या 2,000 - 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2,000 + 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने वही किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a - b × a+b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2,000, बी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपका आंसर आना चाहिए इसमें। तो a² मतलब 2,000 का स्क्वायर - b, बी क्या 1 का स्क्वायर, 2,000 का स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड में देखिए 24 × 26 लिखा हुआ है, तो 24 × 26 को मैं लिख सकती हूँ 25 - 1 और 26 को मैं लिख सकती हूँ 25 + 1। ठीक है, तो a - b और a+b का फॉर्मूला हो गया a² - b² ए क्या है 25, बी क्या है आपका 1, आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 - 1, तो 624 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में भी बेटा ऐसे ही करना है। 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ 97 - 1 और 98 को लिख सकती हूँ 97 + 1, a - b a+b, आंसर आएगा a² - b² ए क्या है आपका 97 और बी क्या है आपका 1, जब आप माइनस करोगे स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर आएगा 9408। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ में आपको क्या करना है 322 है, 322 को मैं क्या लिख सकती हूँ 323 - 1 और 324 को लिख सकती हूँ 323 + 1 और नीचे आपका ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ a² - b², तो a² क्या है 323 और b² क्या है आपका 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा एक जैसा है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। फिफ्थ देखिए बेटा, फिफ्थ में है a² - b², ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 605, यहाँ पे उल्टा कर दिया हमने a² - b² को हम लिख सकते हैं a+b a-b, तो a की वैल्यू क्या है 605, तो 605 - 1, 605 + 1 अपॉन में कितना 606, 605 में एक जोड़ेंगे 606 हो जाएगा, 606 से 606 कट गया, आपका आंसर आ गया 604। इसी के सिक्स देखिए 71 × 73, तो 71 को हम लिख सकते हैं 72 - 1, 73 को लिख सकते हैं 72 + 1, ए आपका क्या हो जाएगा 72 और बी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो a² - b² b² 72 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर इतना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस करेंगे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।